हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साप्लनर श्रेणी नवम पिले। तुम इतिहास रो जो नगर विज्ञान अच्छी तार गोटे पाठ दुई जार नाम हूँ तुम ये देखिपुव जातीय संहति। यही चैप्टर टी तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्री एवं आगामी समय जो समेटिव असेसमेंट टू जो वार्षिक परीक्षा हे ये बोथ एग्जामिनेशन यहाँ गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं पाठटा ये दुईट जाक एग्जामिनेशन पढ़वार पॉसिबिलिटी अच्छे। ऑलरेडी जो मानकर एग्जामिनेशन सर जाइए से तो निहत भावे जापारी थे फॉर्मेटिव एसेसमेंट थ्री में यार सिलेबस थिला कि नहीं। सहित समेटिव एसेसमेंट टू जेहतु आगामी समय होबार अछि तेणु आमको यही पाठटा भलसे बुझाक पड़ो यार कौन एम सी क्यू प्रश्न हो पार आमको जानवाक पड़ो तेणु यही भिडियो आम यही जातीय संहतिर इम्पोर्टेंट पिला आम टॉप 20 आम एम सी क्यू आलोचना करवा जहाँकि तुम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अटे तेणु कहीं मतलब भिडियो को स्किप कर न एकदम स्टार्टिंग रु पूरा लास्ट पर्यंत निहाती देख। ओके पे सहित तुम जो फॉर्मेटिव एसएससी थ्री एग्जामिनेशन हो सारी तार आंसर की पे भिडर जो आई कार्ड देखु ये अच्छी तासत भिडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल अच्छे तो जाकि तुम्हें चेकआउट कर। तो चल आरंभ करवा। एक नंबर प्रश्न दला पे सामाजिक वैषम्य दूरीकरण न हेले भारत में कौन प्रतिष्ठा हो पारना जातीय संहति ना जातीय स्वार्थ ना जातीय विभिन्नता ना संस्कृति। बहुत सहज प्रश्न पे मैंने जदि सामाजिक वैषम्य दूरीकरण न हो पार तेज भारत में कौन प्रतिष्ठा हो पारना ना जातीय संहति प्रतिष्ठा हो पारना। तो ऑप्शन ए हम। परवर्त प्रश्न देख। भारत केवेहले एकता नथिला एबे मध्य नाही यह कार उक्ति अटे। भारत रे केबे हेले एकता नथिला एबे मध्य नाही यह कार उक्ति अटे। यह हूँ पिला माने जॉन स्ट्राचिंग रो उक्ति अटे। जातीय संहति परिषद रे किए सदस्य रही पारे जो जातीय संहति अच्छी पिला माने एही परिषद रे किए सदस्य रही पारे जिलापाल ना राज्यपाल ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति। आंसर पे मैंने ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए। बहुत सहज ए चार जन भितर किए हे स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होती प्रथम प्रधानमंत्री। परवर्ती प्रश्न देख। निम्नोक्त मधुर केउटी जातीय संहति प्रति विपद सृष्टि करुछि आ भितर कोडा जातीय संहति प्रति विपद सृष्टि करुछि। आंसर पिला माने संत्रासवाद विपद सृष्टि करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशप्रेम भाव को किपरि जाग्रत करा उचित। देशप्रेम भाव को किपरि जाग्रत करिबा उचित एकछत्रवादी शासन द्वारा विभिन्न प्रकार धर्मग्रहण द्वारा उन्नत मानर शिक्षा और आध्यात्मिक चिंताधारा द्वारा ना देशर एकता को भंग करने द्वारा। आंसर पे मैंने ऑप्शन सी उन्नत मानर शिक्षा और आध्यात्मिक चिंताधारा द्वारा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रो प्रतिष्ठाता किए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रो प्रतिष्ठाता किए। विलियम जोन्स ना मैक्स मुलर ना आक्टालियान ह्यूम ना विंसेंट स्मिथ। पे समस्ते कमेंट कर उपयुक्त ऑप्शन कौन हम। आंसर पे ऑप्शन ए विलियम जोन्स। सांप्रदायिकतार विभीषिका को स्थायी भाव में रोक जा पारना एथिपाई क्यों भाव सृष्टि होगा आवश्यक। आउ थे पढ़ु सांप्रदायिकतार विभीषता को स्थायी भाव में रोक जा पारना एथिपाई क्यों भाव सृष्टि होगा आवश्यक। आंसर पे मैंने ऑप्शन सी सद्भाव क्षुण्ण सृष्टि होगा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नोक्त केउ माध्यम रे देशप्रेम जाग्रत कर जाय परिबो। निम्नोक्त केउ माध्यम रे देशप्रेम जाग्रत कर जाय परिबो। उन्नति सामाजिक व्यवस्था उन्नत शिक्षा और आध्यात्मिक चिंताधारा उन्नत सुशासन और राजनैतिक स्थिरता
ना उन्नत आर्थिक स्थिति और सहयोग मनोभाव। आंसर पे ऑप्शन बी उन्नत शिक्षा और आध्यात्मिक चिंताधारा द्वारा। जातीय सहमति बजाय रखिबा पाई प्रत्येक नागरिकर केउ मनोभाव रहिबा आवश्यक। ए देश मोर मो निज देश पाई कर्तव्य रहिछि। मो देश ओ एहार समस्त संतान एक मन एक प्राणरे चलिबा। धर्मगत संकीर्णता भूली आमे समस्ते एक होइबा। देश पाई दृढ़ मनोबल और दृढ़ शासन ही एकतार मापकाठी। तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी जातीय सहमति बजाय रखिबा पाई गोटे उपयुक्त अटे। आंसर पे ऑप्शन ए ए देश मोर मो निज देश कर्तव्य रही। निम्नोक्त मधुर कहार मूलमंत्र होउछि देशात्मबोधर प्रेरणा मातृभूमि प्रति एकांत स्नेह प्रेम और देश मातृकार सेवा और संकल्पर पराकाष्ठा। निम्नोक्त मधुर कहार मूलमंत्र होउछि। आंसर पे ऑप्शन सी जातीय संहतिर। निम्नोक्त मानक मधुर किए कही जातीय संहति कादो ईटा निर्मित एक गृह नुहें। यह एपरी एक भावना जहाँ लोक मान हृदय गभीरतम गह्वर मध्य प्रवेश करिबा दरकार। यही भावनार अनुप्रवेश ही लोक मानू जाग्रत कर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतामत थिला ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को थिला ना महात्मा गांधी को थिला ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को थिला कहार थिला। आंसर पिला माने सरदार वल्लभ भाई पटेल को थिला। निम्नोक्त धर्म मध्यरु केउ धर्म भारतर आत्मा सदृश। निम्नोक्त धर्म मध्यरु केउ धर्म भारतर आत्मा सदृश वैष्णव ना सनातन ना बौद्ध ना वैदिक धर्म। आंसर पिला माने सनातन धर्म। निम्नोक्त मधुरु केउटी जातीय संहतिर उपादान अंतर्भुक्त अटे। निम्नोक्त मधुरु केउटी जातीय संहतिर उपादान अंतर्भुक्त अटे। समस्तंकर स्वतंत्रता बजाय रखिबा समस्तंकु उचित न्याय देबा ना भौगोलिक अखंडता बजाय रखिबा ना दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थ प्रत्याहार करिबा। कौन आंसर आसिबो? आंसर पे ऑप्शन सी भौगोलिक अखंडता बजाय रखिबा। आम देश में प्रचलित धर्म निरपेक्षता संपर्कित उक्त मध्यरु निम्नोक्त केउ उक्तिटि एहार विपरीत धर्मी अटे। आमर कौन सी राष्ट्रधर्म नाही। व्यक्तिर धर्मगत उपासनागत स्वाधीनता रही। सब धर्म समान अटे। धर्म एक समष्टिगत व्यापार। तो आ भितर पे मैंने कौटा एक विपरीत धर्मी अटे। धर्म एक समष्टिगत व्यापार अटे। यहाँ हूँ विपरीत धर्मी अटे। सामाजिक न्याय प्रदान लगे क्यों व्यवस्था आम संविधान में रही। सामाजिक न्याय प्रदान लगे क्यों व्यवस्था आम संविधान में रही गुड़ा रही। समानतार अधिकार और स्वाधीनतार अधिकार और भातृभाव यही व्यवस्थाटी रही अच्छी। अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणीर व्यक्ति मानू उपयुक्त न्याय देवाई क्यों व्यवस्था रही। अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणीर व्यक्ति मानू उपयुक्त न्याय देवाई क्यों व्यवस्था रही। मागणा आईन सहायता व्यवस्था रही। निम्नोक्त मधुर केउटी जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करूछि। केउटी जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करूछि। सांप्रदायिकता जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करूछि। अच्छा पिला माने सांप्रदायिकतार अर्थ कौन जो जान कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। गोटे राष्ट्र में बास करूथवा व्यक्ति समूह
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଭାଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଭାଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନା ସାମ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବନା ଆସିବ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଓ ପରିଚିତ ହେଉ ଧାର୍ମିକ ନା ଅଖଣ୍ଡତା ନା ବିକଶିତ ନା ଭାରତୀୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2-3 ଥର ଦେଖ ଆରାମସେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର ନିଜର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକେ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିହାତି ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଦେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦେବ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ।